गुजरे साल को उल्लास के साथ विदा करने और नए साल के स्वागत के लिए प्रदेश भर के पर्यटक स्थलों पर सैलानी उमड़ पड़े हैं। मसूरी, देहरादून, नैनीताल, लैंसडाउन, औली, ऋषिकेश, हरिद्वार, चकराता समेत तमाम स्थानों पर गहमा गहमी चरम पर है। इसे देखते हुए सभी जगह पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। देहरादून और मसूरी में पुलिस की तैयारियां परखने के लिए एसएसपी अजय सिंह ने दौरा किया। उन्होंने देहरादून से मसूरी के बीच लगाई गई सभी चेकिंग प्वाइंट्स को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। पार्किंग व्यवस्था को भी दुरुस्त करने को कहा गया है ताकि कहीं जाम की स्थिति न बने। हुड़दंगियों से सख्ती से निपटने की चेतावनी पुलिस ने दी है। कई वाहनों के चालान भी किए गए हैं। दूसरी ओर चंपावत जिले में साल की अंतिम शाम का जश्न मनाने व नए साल की शुरुआत उमंग के साथ करने के लिए लोग विभिन्न पर्यटन व धार्मिक स्थलों में पहुंचे हैं। जिले में मां पूर्णागिरी मंदिर, ब्यानाधुरा, मायावती आश्रम, देवीधुरा, एबोट माउंट, पंचेश्वर, चाय बागान, कोली ढेक झील में आज सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा। प्रसिद्ध पूर्णागिरी मंदिर में बड़ी संख्या में लोग नए साल के पहले दिन देवी के दर्शन के साथ शुरुआत करने के लिए अभी से आ जुटे हैं। नया साल आ रहा है और दर्शनार्थियों में बड़े उत्साह के साथ दर्शनार्थी आ रहे हैं और उम्मीद है कि कम से कम 30 से 40 हजार तक के श्रद्धालु यहाँ पहुँचने की उम्मीद है और यात्री को जो है कि नए साल में और माता की पूर्णागिरी के दरबार में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए और माता से मन्नत मांगने के लिए आते हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई हैं। जिले के पर्यटक स्थलों में शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी के साथ ही पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। माहौल के लिए होता है न्यू ईयर के लिए 31 की नाइट के लिए पूर्णागिरी माता पूर्णागिरी मेला वहां पर जो मंदिर परिसर वहां काफी भीड़ भाड़ रहती है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उसके लिए हमने एक्स्ट्रा जो फोर्स है वो हमने वहां पर दे दी है। अलग से 2 SHO और साथ साथ में 6 सब इंस्पेक्टर और करीब करीब 40 कांस्टेबल अलग से वहां पर दिए गए जो वहां पर ड्यूटीरत रहेंगे। इसके अलावा आजकल जो नए हमारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो नए बने हैं और जो आजकल काफी हाईलाइटेड हुए हैं लोग जैसे हम कह सकते हैं कोजी डिग लेक हो गई या फिर कस्बा एरिया हम कह सकते हैं लोहा गार्ड चंपावत का है वहां पर हम रेगुलर पेट्रोलिंग में रहेंगे। हमारी जो फोर्स है रेगुलर पेट्रोलिंग में रहेगी। मुख्य मुख्य पॉइंट्स में हम पिकेट भी लगाए रखेंगे। साथ साथ मैं आपके माध्यम से आम जनता से भी ये अपील करूंगा कि जो नववर्ष है उसको शांति से और सद्भाव के साथ मनाएं, न कि हुड़दंग करते हुए मनाएं। अगर हुड़दंग करते हैं तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।